प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ भगवान कैसे मिलते हैं? माँ, भगवान की स्वयं कृपा बिना भगवान मिलता नहीं है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक भगवान के पास जाने की इच्छा ही नहीं होती। गुरु खुद कृपा रूप होकर शिष्य को भगवान की तरफ ले जाता है। जैसे तुम लौकिक विद्या गुरु के पास अभ्यास करके विद्वान हो जाते हो, वैसे ही सद्गुरु के पास जाकर अभ्यास करके आत्मवित या ब्रह्मवित हो जाते हो। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग तो अमृत की संतान हैं, तो फिर मृत की तरफ क्यों जाते हो? भगवत मुखी बनना ही मनुष्य का एकमात्र परम कर्तव्य है। पिताजी, भगवान के लिए दर्द होना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। भगवान के लिए दर्द होने से काम जल्दी बनता है। जब दर्द होता है तब दवाखाना में जाना पड़ता है। दवा लेने पर रोग अच्छा होता है। मन बड़ा चंचल है, मन इधर उधर भटकता है। स्थिरता से अभ्यास करने से मन वश में आता है। मन को शुद्ध भोजन दिया करो। असली भोजन सत चिंतन है, एकाग्रता है। कड़वी दवा खाने से मुख तो खराब हो जाता है लेकिन रोग तो अच्छा होता है। जब तक अंतर्मुखी वृत्ति नहीं होगी तब तक अंतर्यामी का पता नहीं मिलेगा। प्रश्न करता, मां मन तो बड़ा चंचल है, बंदर जैसा है। मां, यह शरीर तो कहता है कि मन छोटा बालक जैसा है। बालक को एक पैसा की चीज दो या लाख रुपए का चीज, वह तोड़ देता है। बालक का लक्ष्य है आनंद, मन का भी वैसा ही है। एक बात है, कोई बालक माँ को चाहता है माने आनंद को चाहता है। माँ यदि घर के बाहर गई हो तो जब तक माँ वापस ना आए तब तक जिस रास्ते से माँ गई है उसकी तरफ एक दृष्टि रख के बैठता है। माँ के आने से अमृत पान करके माँ की गोद में सो जाता है। भगवान को भी ऐसे तीव्र एकाग्रता और व्याकुलता से भजे तो भगवान भी आकर साधक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और अमृत पान कराते हैं। माँ तो सत्संग से मिलती है, सत्संग के बिना मन शांत होता नहीं है। सत्संग से भगवत प्राप्ति होती है, अखंड आनंद से समाधि होती है। मन को सत्संग में रखने की कोशिश करो। ऐसे शुद्ध भोजन से मन शांत होगा और जन्म जन्मांतर की श्रृंखलाएं टूट जाएंगी। दवा खाने का अभ्यास करो। संसार का आनंद तो खंड और क्षणिक है। डॉक्टर गुरु के आदेश अनुसार दवा खाते रहो, इससे सब भव रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह शरीर कहता है कि अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाओ और दवा पीते रहो। दवा के साथ पथ्य भी रखना पड़ेगा, तभी आरोग्य लाभ होगा। प्रश्न करता, माँ आपके श्रीमुख से कैसा सुंदर उपदेश सुना है लेकिन यहां से उठकर बाहर जाने पर सब विस्मृत हो जाता है। माँ, इसलिए यह शरीर कह रहा है कि अंदर से बाहर से एक हो जाओ। जबरदस्ती से डॉक्टर रूपी गुरु के पास जाकर दवा खानी चाहिए। इंजेक्शन से भी आराम होता है। गुरु की शरण में जाओ। गुरु जो उपदेश दें उसके अनुसार साधन भजन शुरू करो और उनके आदेश का अविचार से पालन करो। भगवान ही गुरु रूप में आकर शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और उनको शांति देते हैं, दीक्षा देते हैं और अंत में उनको पूर्ण आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति कराते हैं। भगवान की कृपा दो किस्म की होती है, एक है निग्रह कृपा और दूसरी है अनुग्रह कृपा। निग्रह कृपा माने कड़वी दवा पिलाते हैं और अनुग्रह कृपा माने मीठा सिरप पिलाते हैं। प्रश्न करता, माँ हम लोगों की सब प्रवृत्तियां क्या पहले से नियत रहती हैं? माँ, नियंत्रित जगत में सब कुछ नियंत्रित है। जैसा जैसा संयोग होता है वैसा वैसा बनता है। प्राकृत जगत में क्रम क्रिया सब कुछ हो रहा है। एक दृष्टि से कहना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है।
जो मूल में है वह स्थूल में है। प्रश्न करता, मां क्या आध्यात्मिक विकास भी नियंत्रित है? मां, परमार्थ विकास भी नियंत्रित है। ज्योतिष विद्या में यह सब कुछ दिखाया है। यदि जन्म का समय ठीक ठीक रखा हो तो ज्योतिष विद्या के द्वारा भविष्य का पता लग सकता है। किसी किसी ने यह देखा है कि प्रत्यक्ष में भी यह बात ठीक है। कोई योगी अपनी योग दृष्टि से कहे कि ऐसा होगा तो यह दूसरी बात है। एक मनुष्य रास्ते में जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया। आगे से नियंत्रित था तब तो हो गया। यहां तक तो ज्योतिष विद्या जाती है। इससे आगे ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरु शक्ति से नियंत्रित सब कुछ बदल सकता है। ऐसा भी एक स्थान है कि जहां नियंत्रित अनियंत्रित का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी भी कोई जगह है जहां नियंत्रित का सवाल है, वहां ग्रह शांति इत्यादि करवाते हैं। ग्रह शांति के द्वारा नियंत्रित भी बदला जा सकता है और देव शक्ति से रक्षा हो सकती है। भगवान के राज्य में सब कुछ संभव है, वहां असंभव संभव बन जाता है। भगवान तो स्वयं प्रकाश है, सदा सर्वदा है। प्रश्न करता, मां मन की चंचलता कैसे दूर होती है? मां, भगवान के लिए चंचलता बढ़ाने से संसार की चंचलता दूर होती है। दुनिया की चंचलता द्विधा भाव में परिणत हो गई है। जब तक दुनिया के पदार्थों में अपना मन रखोगे तब तक दुनिया की वासनाओं से पेट नहीं भरेगा। मन को जब असली भोजन मिलेगा तब शांति मिलेगी। भगवत प्राप्ति रूप परम धन की जब प्राप्ति होगी तब ही पूर्ण शांति मिलेगी। बस एकमात्र भगवान ही सर्वत्र हैं, वही हैं, वही हैं, वही हैं। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है इस मन को शुद्ध भोजन देना। मन को गंदे में मत रखो, गंदे में मन तड़फता है। जहां राम वहां आराम, जहां नहीं राम वहां बेआराम अर्थात व्याराम। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।